आपणाचा वचन घेऊया. आज उपवास प्रार्थना आहे, काही आज उपवास प्रार्थना आहे. मध्ये अध्याय 24, मॅथ्यू 24, मध्ये अध्याय 24, रोज का 12, काय त्याचं 12, मॅथ्यू मध्ये 12:13, 24, मध्ये अध्याय 24, 12 and 13, त्याचं 12 आणि 13, मध्ये अध्याय मॅथ्यू मध्ये 24, मध्ये अध्याय 24, 12 13, त्याचं 12 आणि 13. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसका उद्धार होगा. आगे अग्नि की वाटियां बढ़े, पुष्पांश प्रीति ठंडा वे, परंतु जो शेवट पर तो तीखुन रहे तो स्तर है. हम प्रार्थना आप प्रार्थना करें. वही तो पिता वचन की सेवा को आपके हाथों में देते. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो मदद करना. वचन पिता को आपके हाथों में दिया है, वचन समझ कर वैसे ही पालन करने के लिए तो कृपा करना. यीशु के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. डियर यमती ने अध्याय लिखा है. आई पियानो हाउस में पति के लिए आराम लेवी है. लेवी है. आई हाँ यह नाम लेवी आ गया. रेडी थे. आई हाँ प्रेषित आए और यीशु के पीछे चला है. आई हाँ यीशु के प्रार्थना के साथ आया. इसीलिए प्रियो वो अच्छी रीति से मती अध्याय में लिख पाया है यीशु के बारे में पूरी रीति से. आई मन प्रियो हाँ सामने रहते यीशु बदल बताया थे मुझे यीशु शकेला है. अब 24 अध्याय में यीशु के आगमन की भविष्यवाणी है. आई हाँ आने के बारे में बताया गया है. आई हाँ 24 अध्याय में यीशु का आगमन बदल भविष्यवाणी के लिए आ गया. तो यीशु ने आने से पहले इस पृथ्वी पर क्या क्या होगा वो बताया. आज यीशु ने पृथ्वी के एने चाहो है पृथ्वी की काय का होगी वो जी स्वामी के लिए आएगा. आज यीशु ये यीशु आने के लिए कोई तकलीफ नहीं. आज यीशु ने सभी का ही त्रास नहीं. पहली बार भी आया है. आई तो पहला तो सुना भी नहीं आ सकता. आई बात का पूर्ण सुना यीशु शब्द जो आ चुका है और गया है तो वो वापस भी आएगा. आज आने का ही जो यीशु ने के लिए आने को पूर्ण यीशु शब्द. लेकिन वो कब आएगा किसी को मालूम नहीं. आई तो केवा रहेगा नहीं उसको पूर्ण तो सभी के लिए ऐसी इच्छा है कि उसके पीछे चलने वाले लोगों को साइन यानी चिन्ह मालूम हो कि कब आने वाला है. आई जैसे अच्छी इच्छा है कि जैसे पाठ्यमागे चालना जी लोग आए त्यांना ही चिन्ह माहिती असले पाहिजे की तो केव्हा येणार आहे. आप सबको ऍड्रेस है. आई बघा तुमच्या सर्वांचा पत्ता आहे. आप हर पते में लिखते समय एक चिन्ह लिखते हो. आई प्रत्येक पते में लिखे जाता सुबह एक चिन्ह लिखता ते ऍड्रेस का. आई तुमच्या पत्त्याच्या दवाखाने के बाजू में. आई दवाखान्याच्या बाजूला आहे. इसके अपोजिट में. आई की पत्याच्या विरुद्ध मध्ये आहे. पीछे त्याच्या पाठीमागे आहे ना. आई हरी ने लिहिले आहे. उसके नजदीक. आई आई की माझ्या जवळ. आई से आपण ही बोलते नेरळ. आई असं कोणी तुम्ही बोलता की नेरळ. अभी सूरज ऐसे ही लिखता है क्या. मैं नेरळ नेरळ ऐसा कोणी नहीं. नेरळ आई सूरज तो फक्त नेरळ लिखतो. नेरळ ईस्ट. आणि नेरळ ईस्ट मोहाचीवाडी. आणि मोहाचीवाडी नाम पडतात. आणि असं तो गोष्टी लिहा. मोहाचीवाडी खूप पडली. आणि मोहाचीवाडी खूप मोठी आहे. मोहाचीवाडी मी कितना ढूंढे. आणि मोहाचीवाडी मध्ये जाऊन तो त्याला किती शोधते. उसके लिए वो घर क्रमांक लेता. आई मोन तरी तो घर क्रमांक लेते उस एरिया में जो मोहाचीवाड़ी में जो साइन लिखता है वहाँ एक नजदीक साइन है चौक के आगे. आई तो एरिया को भी जाने से एक साइन है. आई तो आई चौक का चौक है. हम भी हमारा एड्रेस ऐसे ही बताते सरकारी दवाखाने के बाजू में. आई यहाँ से था आपसे जो एड्रेस आई तो यहाँ से मेरे साथ की सरकारी दवाखाने के पास हो रहा है. कोई भी पूछ रहा है सरकारी दवाखाने में चर्च में आ जाओ. चर्च में मेरे दो. चर्च में आ जाओ. चर्च में आ जाओ. आणि काही लोक विचारतात की सरकारी दवाखान्याच्या बाजूला कुठे की सांगते तुम्ही चर्च मध्ये आणि चर्च मध्येच राहते. लोक सरकारी दवाखाना आम्ही पिछे रह गया सबको मालूम हो गया चर्च. आणि सरकारी दवाखाना जो आहे तो आता पाठीमागे राहिलेला आहे. सर्वांना माहिती आहे चर्च. तुमचं कुठे आहे ना चर्च मालूम आहे. हा मालूम आहे मालूम. तुम्हाला मी बस गेट के पास आ जाओ मैं आपको वही मिलती हूँ. आणि जर त्यांना विचारलं तुम्हाला चर्च माहिती आहे तर जे लोक म्हणतात की हा माहिती आहे त्यांना सांगते गेट वेगळे आहे तुम्हाला तिथे साइन यानी चिन्ह. आणि ह्याला म्हणतात की चिन्ह आहे ना. कभी कभी आप प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे तो आप चिन्ह बताते हो मैं इंडिकेटर के नीचे प्लेटफॉर्म नंबर. आप अगर प्लेटफॉर्म नंबर एक नहीं बोला तो हर प्लेटफॉर्म पे इंडिकेटर है. 7 प्लेटफॉर्म है तो 7 हो. कल्याण में देखो 7 प्लेटफॉर्म है. आई गलत ना बोला 7 प्लेटफॉर्म आ रहे हैं. मैं इंडिकेटर के नीचे हूँ. आई तो मैं साइड में इंडिकेटर से खाली आ रहे हैं. वो 7 प्लेटफॉर्म टूटेगा. आई तो 7 प्लेटफॉर्म पर जाऊँ तो मैं शोले प्लेटफॉर्म नंबर एक पे मैं इंडिकेटर के नीचे खड़ा हूँ तो वो बराबर लगेगा. आई जब तुम तेरा सारा तुम प्लेटफॉर्म क्रमांक एक चार इंडिकेटर से खाली जब दिया है तो तुम्हारे योगी के भी शोले. चिन्ह क्यों दिया गया है ताकि जल्दी पाए और तकलीफ न हो. आई तो चिन्ह ही दिया सके दिल्ली आने के लोग पर लोग काम कर रहे सके यानी शोले सके कहीं त्रास हो. यीशु आने वाला है इसलिए यीशु ने भी कुछ चिन्ह दिए हैं. और यीशु को तो लेना जाने को पहले से तो कहीं चिन्ह दिए हैं. इसीलिए प्रिय उसने सबसे पहला चिन्ह ये बताया कि संसार में क्या होगा. युद्ध चलेगा. आप देख भी रहे हो कि संसार में बहुत जगह में युद्ध है लेकिन कहा है अंत नजदीक मतलब खत्म तभी नहीं होगा.
आईलाही सर्वात पहिले चिन्ह दिलेला आहे की या पृथ्वीवरती युद्ध होईल आणि तुम्ही सुद्धा पाहत आहात की युद्ध चालू आहे परंतु त्यांनी सांगितलेलं आहे की जो अंत आहे तो तेव्हा आहे होणार फिर उसके बाद देखा जाती जाती राज्य राज्याने फूट होगा आईलाच्या नंतर दिलेला आहे की जाती जातीमध्ये राष्ट्र राष्ट्रांमध्ये उठेल त्यांच्यामध्ये फूट असेल फूटने आम्हाला देश का संविधान के अनुसार हमारा भारत देश डेमोक्रेसी आहे लेकिन क्या आज डेमोक्रेसी हो रहा है आज हमारे भारत देश में भी जातीय भेदभाव है आणि भारताच्या संविधानानुसार आपलं जे भारत देश आहे तो सार्वभौमिक आहे परंतु तो सार्वभौमिक राहिलेला नाहीये क्योंकि जो गुलामी से पहले हमारा भारत देश में जो जातीय भेद था ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव और फिर शूद्र यही वापस उन्हें लाना है आणि भारत देशामध्ये संविधान बनवण्याच्या अगोदर जो शूद्र किंवा ज्या काही जाती होत्या त्या सर्व काही त्यांना पुन्हा आणायच्या वापस जो ब्राह्मण को ऊंचे स्थान पर लाना आणि पुन्हा जे ब्राह्मण आहे त्यांना उंच स्थानावरती आणायचा आहे ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि बहुत सारे मसीह प्रेयर कर रहे आणि प्रभुशक्ती होऊन नाही देणार खूप सारे प्रार्थना करत आहे जो ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना में लेते परमेश्वर उन्हें बताता है देख ऐसा देश में तुम्हारे चालू है इस विषय के लिए प्रेयर करो आणि जे लोक जास्त बायबल वाचतात जे लोक जास्त प्रार्थनेमध्ये असतात ते त्यांना सांगतो की तुमच्या देशामध्ये चालू आहे प्रार्थना प्रार्थनेचे रोका जाईल आणि प्रार्थनेच्या द्वारे सर्व काही अडवू आहे नाही हो आणि बघा पुढे जाऊन या गोष्टी नाही होणार चाहते हे वैसा नाही हो आणि त्या लोकांची जी इच्छा आहे त्याप्रमाणे नाही होणार प्रार्थना में यही तो सामर्थ्य है आणि प्रार्थनेमध्ये हे सामर्थ्य आहे बीच में जो ऐसा निकाला था की पैसों के ऊपर मोदी का याने वाला था उसका साइन उसका चित्र आने वाला था लेकिन प्रेयर करके करके पैसा नहीं हुआ आई कभी भी पैसा चेंज होने वाला था आई नहीं आता सब जो पैसा है ये चेंज होना पहले ही पैसा चेंज करने से कितनी हालत खराब हुई गरीबी आ गई कितना तकलीफ हुआ अभी भी ये पैसा टिकता नहीं है हमें टिकता है आता जैसे जाता है इसलिए कभी भी ये पैसा है ना ये जो पैसा क्या प्रेयर करना आणि म्हणून कधी जेव्हा पैसे तुमच्या हातावर येतात तुम्ही प्रार्थना करा बघा प्रार्थना केल्यावरती ते टिकेल बरा राहील का बँकेत जाईल आणि मग ते टिकेल आणि ते बनून राहील आणि ते बँकेमध्ये जाईल तिथे जो भी पैसा मिळेल प्रेयर करू आणि म्हणून जे काही पैसे तुम्हाला मिळतात तुम्ही प्रार्थना कराल का आणि ते तुमच्या जवळ राहील इथे प्रेरणे ऐसी शक्ती आहे आणि म्हणून प्रार्थनेमध्ये एक असं सामर्थ्य आहे बायबल के अनुसार यहाँ एक चिन्ह और बताया है आणि त्यांना बायबलनुसार इथे आणखी एक चिन्ह सांगितलेलं बताया गया है की अधर्म बढ़ने के कारण भूतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा आणि जे सांगितलेलं आहे की अरिणी वाढल्याच्या मध्ये पुष्कळांची जी प्रीती आहे ती थंड होते अधर्म बढ़ेगा मतलब क्या आणि अधर्म याने जो लोग मसीह होकर मसीहपन नहीं रहेंगे मसीह के जैसा नहीं चलेंगे तो उनका स्वभाव देखकर बहुत से लोग जो प्रभु को प्यार कर रहे हैं वो क्या करेंगे मसीह के पीछे चलना छोड़ देंगे ठंडा हो जाएंगे आणि अरिणी वाढेल म्हणजे काय जे ख्रिस्ती लोक आहेत ते लोक ख्रिस्ती प्रमाणे जगत आहेत परंतु ते लोक अनैतिक रीतीने जगत आहेत आणि म्हणून जे लोक देवावरती प्रेम करतात त्यांची सुद्धा प्रीती जी आहे त्या लोकांना पाहून त्यांची प्रीती थंडावे मी आपल्याला बताते आणि मी तुम्हाला सांगते तिमोथी ही पत्री निकालो आणि तिमोथीचं पत्र काढूया अध्याय 3 अध्याय 3 सेकंड तिमोथी दुसरा तिमोथी अध्याय 3 अध्याय 3 यहाँ जो इंसान जो बताए गए हैं आई इधर से व्यक्ति सामने के यहाँ ये मसीह लोग ऐसे हो गए आई जी क्रिस्टी लोग आए थे यहाँ के लिए बनते चर्च में आने वाले लोग ऐसे बने आई जी क्रिस्टी लोग को चर्च में रहना रहे थे यहाँ के लिए हो गए तो इनको देखने के बाद ऐसे लोगों से आपका पाला पढ़ने के बाद मेरा पाला पढ़ने के बाद या मैं सोचो ऐसी हो गई तो आप मेरे अंदर ऐसा देखने के बाद आपको लगेगा नहीं चाहिए चर्च नहीं जाएंगे अच्छा नहीं है मतलब आपको समझ में आए तो आपको ठंडे पड़ जाओगे ऐसे लोगों को देखने के बाद वो हमें नहीं होना है आणि तशी लोक पाहिल्याच्या द्वारे तुम्ही थंड पडून जाल आणि त्या रीतीने आपल्याला नाही व्हायचं आहे दयाळू आणि दयाळू आहे प्यारे आणि प्रेमळ आहे येई सोचते आणि हा पण सर शमाळू आहे आणि क्षमा मदत करणे वाले मदत करणारे आहे अभी आप ऐसे सोचते मुझी लोग गधे आए आई तुम्ही असा विचार करता की लोक ऐसे ही बैठे रहे आणि अशा से तुम्ही बसून राहता मदत नाही कर रहे आई जर तुम्हाला मदत नाही करत आपको लगे ना कि मेरे भाई बहन है ना मेरे घर में आए थोड़े से बर्तन बर्तन हेल्प करना खाना बटोरने के लिए सब मदद के लिए आते तो अच्छा लगता ना मैं बोलूँ कैसे ये लोग है मदद भी करने को नहीं आए नहीं लगेगा आई ऐसे लगे ना ही बांटना है सोचो उदाहरण के तौर पर रेशमा मेघा ये लोग आप हमेशा ऐसी अपेक्षा करते कि सेवक लोग हमेशा आगे रहेंगे हाँ ये रेशमा दीदी आने मेघा दीदी आने की अपेक्षा करते कि सेवक लोग आगे रहेंगे पूरे हाथ अगर आपको
तो बोलना नहीं पड़ा, ये लोग ही उधर खा के चले गए, इधर ही से लोग उधर काउंटिंग में गए, मदद ही नहीं किया, काफी चलो आपको भाई ये चीज हो गई ना नहीं के लिए तो तुम्हें का विचार कर कि ये लोगों सेवा करते हैं करेक्ट है आपके घर में प्रे आपने मदद के लिए बुलाया आई सर तुम्हें मदद के साथ ही बोल रहे हो वो लोग नहीं आए तो आई तो नहीं होगा मुझे मेरा भाई है ना मेरे बहन है ना मदद के लिए आई लोग मदद के साथ ही ना आ रहे तो तुम्हारा क्या बढ़े की माशा को मारी है माशी बही ना एक तरीके से ये लोग मदद के साथ ही नहीं आ रहे तो आपको देखने के बाद फीलिंग्स को बुला देते इसलिए देखो ऐसा लिखा है क्योंकि मनुष्य कठिन दिन कौन सा है इंसान कौन सा इंसान जो चर्च में आने वाले इंसान संसार में तो लोग ऑलरेडी आप देखो जो यहाँ लिखा है वो ऑलरेडी है अरे जगह पर तुझे लोगों ने जेंट देवी ना है तेरे को पहले जाने लेकिन चर्च में आने वाले लोग ऐसे नहीं होंगे चर्च में नहीं आने चाहिए लोग आने के यहाँ ही भी नहीं जाने वाले इन दिनों में इंसान जो चर्च में आने वाले लोग ऐसे हो गए क्यों शैतान उन्हें वैसा करवाएगा परिस्थिति उनको कठोर करवाएगी उनसे पाप करवाएगी क्योंकि चर्च में आने वाले लोग सोचेंगे अरे लोग में आगे जाए कि पहले बोल लो ये इंसान कैसे देंगे कारण मन से सवाल थे हाँ सेल्फिश धन लोभी हाँ पैसों के पीछे पढ़ाई कर हाँ बड़े बड़े बात करने वाले गर्विष्ठ हाँ घमंडी निंदक हाँ निंदा करने की सी ऐसी आई बता ने ना मानना रे माता रे ए दान ओकार न स्मरण रे जो आपको मदद किया उसका माइंड एकदम कुछ वो भूल जाएंगे क्या है नहीं करेंगे जा ऐसा बाइबल के अनुसार जो हमको मदद करते हैं हमको ऊपर उपकार करते हैं हमेशा हम याद रखना एक छोटा सा भी उपकार हमारे तकलीफ के समय में किसी ने किया है तो वो याद रखना कभी नहीं भूलना लेकिन वो भूलने वाले लोग याद नहीं रखेंगे सिर्फ बुरा ही याद रखने वाले लोग आई बता बाइक पर लक्षण देने वाले लोग करते अपवित्र हाँ अपवित्र मनमर्जी से दारू पीना बियर बार में जाना होटल में जाना गंदा काम करना वेश्यागमन करना गंदे गंदे काम करना उसे ये अपवित्र ममता है ममता है दयालु है कठोर शांत नहीं करूँगा ऐसा नहीं तेरे साथ तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा कठोर दया नहीं आप मुझे अपनी बहन में क्या नहीं छोड़ो क्या देखें क्या चलो ऐसा करके दयालु नहीं कठोर ओ जमुना दाई तुम्हारी लड़की देखो ये जमुना दाई की लड़की मेरी कौन है फिर मेरी भी तो प्रभु में बेटी बहन है ना अक्सर ऐसे ही बोलते हैं तुमची पोलगी बघा तुमची सून बघा तुमची मुलगी बघा अरे बाबा त्यांची मुलगी आहे तुमची कोण आहे तुमची पण तर आहे कोण आहे ना आपण काय बोललं पाहिजे मेघा है ना असं नाही बोललं पाहिजे हो जमा दे तुमची पोलगी तो ये याद फिर ऐसा कठोर रहेंगे शांतता पैसे हाँ मतलब शांति नहीं चाहिए कैसे भी अच्छा झगड़ा करना कैसा करने का कैसा गलती निकाल कर ढूंढना कि कैसे मौका मिलता है कि इसकी गलती निकालो इसकी गलतियों को दिखाकर इसको पैरों के नीचे दबाओ झगड़ा करो सहार करो हाँ असहयोग देखो सहार करो मतलब क्या लिखा दोष लगाने वाले सहार करो यानी गलतियाँ निकालने वाले ठीक करने वाले आगे असहयोग असहयोग कंट्रोल नहीं जल्दी गुस्सा जल्दी वॉयलेंट बहुत जल्दी गुस्सा आएगा ऐसे फिर क्रूर एक दूसरे के साथ जो एक इंसान नहीं करना चाहिए वैसे बुरा सा काम करने वाले सामने बदल प्रेम में बाढ़ बनाए अच्छा के भलाई के नहीं चाहने वाले बुराई के चाहने वाले विश्वासघाती धोखा देने वाले विश्वासघाती मतलब धोखा देने वाले अगर सोचो पैसा लिया अगर सोचो सूरज से पैसा लिया तो नहीं लेंगे रिटर्न वो धोखा हुआ ना मतलब हम आएंगे आएंगे संतोष बाबू हम आपके घर में आएंगे और नहीं आएंगे धोखा दिया ना करते हैं ना एक दूसरे को ऐसे धोखा देते हैं ना हम जरूर आपके घर में आए थे हम जरूर इसी तरीके से बहुत आज तो ज्यादा बढ़ रही है फिर आगे घी देने आज झूठ बोलने को किसी को डर लग रहा है घी हो गए पाप करके करके घी हो गए उनको क्या लगता है अभी ये करने से कुछ नहीं होएगा अमीन दास
लोग आज ढीठ यानी अभी जैसे उदाहरण मालूम है मम्मी पापा मारेंगे नहीं तो बच्चे गलतियाँ पर गलतियाँ करते हैं यानी वो ढीठ हो जाते हैं उसका मतलब हो तो परमेश्वर भी आज मनुष्य को छोड़ दिया है मलिन है मलिन होता रहे धर्मी है धर्मी होता रहे तो लोगों को क्या लग रहा है मैं कुछ भी कर रहा हूँ मुझे शिक्षा नहीं मिल रही है ना इसलिए वो जो चुपके से करते थे पहले अब खुले आ गए जो पहले से चुपके से हेलो अभी ढील होने के कारण मम्मी बोलते दिख सकते हैं क्या बॉयफ्रेंड से ढील करके करके अभी खुले आम पहले ऐसे चुपके से जब इंसान पहली बार गलती करता है तो चुपके करता है आणि जेव्हा मनुष्य पहिल्यांदा गलती करतो तो लघु छकून करतो फिर वो करके करके वो क्या हो जाता है ढीठ हो जाता है आणि नंतर ते गोष्टी करून करून तो काय करतो ढीठ होतो खुलेआम करतो आणि तो ओव्हरपणी करतो उसको वो करते समय कोई फीलिंग नहीं आती आणि नंतर ते गोष्टी करण्यासाठी त्याला काहीच फीलिंग येत नाही सर्वोपदेशक में ऐसा लिखा है कि तू वो जो कर रहा है परमेश्वर तुझे मार नहीं रहा है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है तेरा परमेश्वर तेरे जैसा ही है तेरे परमेश्वर को भी ये चल रहा है आगे तो आगे ऐसा लिखा है लेकिन याद रख तू उसका भले में परमेश्वर तुझे एक दिन जरूर इसलिए बाद में वो बिछाने पे जो गिरा दिया आगे नंतर मन जो बिछाने पे कोई ना पड़तो तेरा गया है तो ये याद रखो तो ढील उसी को कहते हैं आई तेरा से मानता पहले चुपके से तंबाकू चलते थे आई पहले लघु छपन तंबाकू खाई थे चुपके से मैं पत्ता चो आई लघु सिगरेट खाई तंबाकू खाई थे अभी खुले आप हाँ क्या पर आपको जो कमांड दिया जाएगा कि चर्च में ऐसा ये नहीं करो वही करेंगे आई तो विचार कर रहा कि चर्च में येणारे लोक आहेत पवित्र आणि शुद्ध आणि ज्याला हे आज्ञा दिले जातात त्याच्या विरोधामध्ये ते लोक करते जो बोला मैं आपको ऐसे काही तुम्हाला सांगायचे नाही आहे नाही बैठना है आणि आज इथे नाही बसायचे दुसरी जागे बैठे आणि तिथे सर्व बसते जो कमांड किया जाएगा आणि जी काही आज्ञा दिली सिखाया जाएगा आणि जी काही शिकवलं जाईल उसके उसके अगेंस्ट में किया जाएगा आणि त्याच्या विरोधामध्ये सर्व गोष्टी केल्या जाते तो ये याद रखो आपको ऐसा लोगों से ये उठना बैठना या उनके साथ आपका संपर्क हो गया और उनसे अगर आपको धोखा मिला तो वो देखे देखे आप सोचेंगे प्रेम क्या हो जाएगा ठंडा इसीलिए लोग अंतिम काल में बहुत सारे मसीह ठंडे पड़ेंगे आई मन प्रेम शेवर का काल में खूब सारे ख्रिस्ती लोग आगे ठंडा पड़ते हैं इसलिए बाइबल में पुरुषों के इसमें करंथियों की पत्री भी कहा है आई मन बाइबल में करंथी कारण स्वतः में दिए जा रहे हैं निकालेंगे काफी है इसलिए पौलुस कहता है आई मन पौलुस मतलब दूसरा करंथियों की पत्री दूसरा करंथी कारण स्वतः अध्याय तेरा अध्याय तेरा और उसमें पांच आई जैसे पांच पांच आई जैसे पांच पर्सन पांच और पांच आणि सहा तुम्ही विश्वासात आहात की नाही याविषयी आपली परीक्षा करा हाँ आप विश्वास में हो क्या ये खुद को खुद जांचो किसी और में आपको परखने की जरूरत है खुद का खुद टेस्ट करो अपने आप को विश्वास में परखना है तो हम कैसे अपने आप को विश्वास में परखना है आणि आपण स्वतः कशा रीतीने विश्वास मध्ये पारखू शकतो हाँ विश्वास में हमें इस रीति से परखना है कि हमारे जीवन में कुछ भी धोखा मिला किसी से भी मिला तो हम तुरंत क्षमा करते ही आणि माफ करते ही क्या आणि विश्वासामध्ये याद की पाठवायचं आहे की जर आपल्या जीवनामध्ये जर कोणाकडून जर आपल्याला दुखा भेटला आपण लवकरात लवकर त्याने क्षमा करतो का फिर प्रभूने कहा कलवरी क्रूसवर इन्हे क्षमा कर तो सबसे पहले हमारे जीवन में सबसे पहले क्या निकलना चाहिए क्षमा आणि प्रभू बदस्थानावरती म्हणाला की हे पिता तू यांना क्षमा कर तर आपल्या सुद्धा जीवनामध्ये सर्व पहिले काही निघाली पाहिजे क्षमा
आई हैव प्रेम, हम प्रेम करना चाहिए, आई हैव प्रेम किए करना है कि हम कर रहे हैं क्या, आई बाहर में चाहे कि आप एक भी मतलब कि प्रेम कर दो, प्रेम निंदा नहीं करता, आई जो प्रेम नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, तो बाइट नहीं करता, नहीं करता, आई डांग नहीं करता, जलन नहीं करता, जलन नहीं करता, नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम वैसा ही है कि आई प्रेम कैसे चाहे का, ये हम चेक करना, आई यहाँ पे बाहर में चाहे के लिए हम आने के लिए कंटाला करते हैं, आई प्रार्थना ये लाओ करता है, जब हमें प्रार्थना करने के लिए हम ये दे रहे कोई बहाने दे रहे तो समझ जाने का विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर हुआ तब ठंडी हो जाए, जब तुमसा विश्वास निर्बल झालेला आहे म्हणून तुम्ही थंड पडाल, विश्वास ही है जो आपको प्रभु ने खड़ा करा, आणि विश्वास आहे जो तुम्हाला देवाकडे उभे करतो, विश्वास के कारण आज आप प्रभु को प्यार करते, आणि विश्वास जर बारे तुम्ही आज देवाला प्रेम करत आहात, पर प्रेम विश्वास किया कि ये मेरा प्रभु है, ये मेरा उद्धार करता है जिसने मेरे लिए जान दी, इसीलिए आप उसको प्यार कर रहे हैं, विश्वास इसीलिए शैतान को मालूम है विश्वास कमजोर होने के बारे आप पीछे हटो, आई म्हणून शैतानला माहिती आहे की जेव्हा तुमचा विश्वास निर्बल होईल तेव्हाच तुम्ही लोक पाठीमागे, इसीलिए तुम क्या करता है ऐसे ऐसे लोग आपके सामने लाता है, आई म्हणून तो काय करतो अशा लोकांना तो तुमच्या समोर घेऊन येतो, आम्ही ते सामने मी लाया भजन संगीत 37 मध्ये पडू शकते, आणि स्तोत्र संहिता 37 मध्ये तुम्ही वाचू शकता, दाविदाच्या समोर सुद्धा अंतर दाविद कितना मनचा का जाता ना परमेश्वर के अनुसार, आणि दाविद हा देवाचा मनपसंत राजा होता, वहां देखो 37:1 में लिखा है कि मैं धर्मी उन दुष्टों जो तगड़े मुड़े लोग थे उनको देखकर मैं मन में उड़ी हुआ, आणि अपने आप को क्यों लेकिन जब हम ऐसा विश्वास कमजोर हो जाता है ऐसे लोगों को लाएगा ना कि हम सोचेंगे अरे ये लोग कुछ भी नहीं इतना वैसे रहते हैं और इनको कुछ भी शिक्षा नहीं मिलता और हम देखो हमेशा बीमार हमेशा तकलीफ हमेशा ये लेकिन ऐसे परिस्थितियाँ क्यों आती है ताकि हम विश्वास में कमजोर हो जाए, आणि आपल्या समोर सुद्धा अशा परिस्थिती येते की जे लोक पाप करत आहे पापामध्ये जीवन व्यतीत करत आहे तरी सुद्धा ती लोक चांगले रीतीने राहत आहेत आणि आपल्या मनामध्ये सुद्धा येईल की लोक पापामध्ये जीवन जगत असून सुद्धा चांगले आहेत आणि अशा ज्या परिस्थिती आहेत आपला विश्वास निर्बल करण्यासाठी तू बाहेर कशा तरी लिहिणार जब मैं परमेश्वर के मंदिर गया, आई त्या सध्यामध्ये लिहिलं आहे की जेव्हा मी देवाच्या मंदिरामध्ये गेलो और मैंने उनका परिणाम जो उनका होता है वो मैंने जाना सोचा तब मैं जान गया कि नहीं धर्मी होना ही अच्छा है, आणि त्यांचा जो परिणाम जो त्यांचा अंत आहे जेव्हा मी त्याच्याबद्दल विचार केला तेव्हा मी मनामध्ये हे ठरवलं की विधिमान दान हेच माझ्यासाठी योग्य आहे, अभी दिख रहे बाद में नहीं दिखेंगे, आणि काम कारण ते लोक आता दिसत आहे ते लोक नष्ट होत आहे, आणि ते लोक नष्ट होत जाते सदा बने रहेंगे, आणि जो विधिमान आहे तो सारे सारे साठी बनून राहील, विश्वास जो हमारा है उसको बढ़ाने का सबसे पहला पॉइंट है परमेश्वर का वचन सुनना, आणि म्हणून आपला जो विश्वास आहे त्याला वाढवण्याचा सर्वात पहिला पॉइंट आहे की देवाचं वचन ऐकणं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं आणि जेव्हा आपण देवाचे वचन ऐकतो तो विश्वास पडता है, आणि तेव्हा आपला जो विश्वास आहे तो जब हम बायबल पढ़ते हैं आणि जेव्हा आपण बायबल वाचतो हमारा विश्वास बढ़ता है, आणि आपला जो विश्वास आहे तो वाढतो, जब हम प्रार्थना करते हैं आणि जेव्हा आपण प्रार्थना करतो विश्वास बढ़ता है, आणि आपला विश्वास वाढतो, जब हम चर्च आते हैं आणि जेव्हा आपण चर्च मध्ये विश्वास बढ़ता है, आपला विश्वास वाढतो, उपवास प्रार्थना करते आणि जेव्हा आपण उपवास आणि प्रार्थना करतो विश्वास बढ़ता है, आणि तेव्हा आपला विश्वास दानदशम देते विश्वास बढ़ता है, ये सारी जो क्रियाएं है ये विश्वास बढ़ाने वाली है, आणि ज्या काही या क्रिया है त्या विश्वास वाढवण्यासाठी आहे, इसीलिए यहाँ लिखा है कि अपने आप को चेक करो कि बाबा आज मुझे प्रार्थना करने के लिए घंटा लगा है आज मैं नहीं जाऊँगा चर्च में और मुझे ऐसा लग रहा है कि तू घूमने तो जाओ तो समझ जाने का विश्वास कम होने रहा है, आणि म्हणून इथं दिलेलं आहे की स्वतःला बाळगायचं आहे जर तुमच्या मनामध्ये जर चर्चमध्ये यायची इच्छा आहे आणि जर तुम्हाला असं वाटत आहे की मी कुठेतरी बाहेर गेलेलं जावं तर समजून जायचं आहे की तुमचा जो विश्वास आहे तो कुठेतरी निर्बल घेत आहे, आपली जाच खूप करेल आणि म्हणून आपली जी करत आहे ती स्वतःच कार्य करायची आहे, आपने आपको करवो की तुम विश्वास में हो की नहीं और अपने आप को जाचो क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है,
नहीं तो जांच में अगर तुम निकम्मे निकले तो पर मेरी निकले हो तो फिर क्या होगा? हम दूसरों को सिखा रहे यीशु अच्छा है, दूसरों को बस बोल दिया, लेकिन क्या हुआ? हम ही निकम्मे हो गए दूसरों को बोल बोल कर। सोचो मैं आप सबको सिखा रहे हो और मैं ही विश्वास में नहीं हूँ, लोगों का स्वभाव देखकर, लोगों का ये देखकर अंदर में ठंडी हो गई, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं, सिखाना है बोलकर सिखा रही हूँ, ऐसा करके फिर नाश हो गई, निकम्मी हो जाऊंगी ना जब मैं विदेश जाची जाऊंगी। तो हमें ही अपने आप को परखना है, हम ठंडे नहीं पड़ना है। आई आप ठंडा नहीं पड़े से ये परमेश्वर चाहता है, आई ही देवा की इच्छा है, कभी प्रभु के लिए ठंडे मत हो। आई कभी तुम्हें देवा से भी ठंडा बोल दो, याद रखो संसार फ्रीज है। आई लक्षण देवा जी जल वाली में फ्रीज आए, फ्रीज में गर्म वस्तु को रखो, आई फ्रीज में जैसे तुम्हें गर्म वस्तु ना ठेव ले क्या हो जाएगी? आई खाई हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, आई ठंडा हो जाएगी। जितना संसार में जाओगे उतने ठंडे पड़ोगे आप। ये जो परीक्षाएं जो आती है हमारे जीवन में, संकट दुख परीक्षाएं जो है ये आ गए, अरे आपने जीवन में जी का ही दुख दिमाग चाहता है परीक्षा तक की आपने सब एक आग आ गए। आग मनुष्य को क्या करती है? अरे आग मनुष्य का क्या करते हैं? गर्म करते हैं, अरे गर्म करते हैं। उसी रीति से प्रभु को मालूम है हमारे जीवन में जो दुख संकट कष्ट जो कुछ है वो हमें गर्म रखती है, प्रभु के निकट रखती है, प्रभु के पास रहती रखती है, प्रभु हमें बीच बीच में दर्द कष्ट तकलीफ इसलिए देता है ताकि हम क्या हो जाए, विश्वास में बन जाए। तुरंत प्रार्थना आणि त्यासाठी आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा जे काही दुःख किंवा ज्या काही परीक्षा आहेत ते आपल्याला गरम करण्यासाठी आणि देवाच्या राज्यामध्ये स्थिर करून ठेवण्यासाठी आहेत। आणि म्हणून देव सुद्धा बदलवले आपल्या जीवनामध्ये थोड्याफार परीक्षा देतो। रेव्हलेशन चॅप्टर 2 मध्ये प्रभू का सबसे पहिली करीसिया को उसने क्या कहा, तो पहिला सा प्यार छोड़ दिया, अंतिम दिन में यही होगा पहला वाला प्यार। जो पहले पहले हम प्रभु को क्या करते थे, पहले 17 18 10 साल 15 आप कितने साल हुए आपको मालूम होना चाहिए का बीच बीच में सब बोलेगा प्रभु एवडे वर्ष मेरे ट्यूबल धन्यवाद आप इतने साल। अभी जब आप पहली बार आते थे प्रभु के लिए पहला प्यार कैसा था? आई बच्चों की पहला प्रेम होता थे कसो होता हर संडे को आई प्रति कल्याण टाइम पे चर्च में टाइम अरे मेरे पर भी चर्च पर लेट होती थी और आप टाइम अभी भी थोड़ा कोशिश भाई साहब परंतु भी आप सबके बीच में से मैं आके इधर ही जाया था ना मैं बराबर आप लोग इधर जाते थे ना आई डोंट समझ नहीं मैं आपके बीच में से ऐसे आती थी प्रेज द लॉर्ड करके उसी उधर जाती थी याद आया है ना मेरे पहले आप लोग आते थे आई बात है पहले तुम लोग ऐसे याद है क्या आई लक्षण आ रहा आज मेरे पहले कौन आता है आई बहुत आज माझे पहले कौन येतात रजनी आते रजनी कभी कभी गंगू मावशी देते मीरा मावशी आणि कधी कधी गंगू मावशी किंवा मीरा मावशी असतात। हमें पहिला वाला प्यार हम कैसे बनाया आरामात जाऊ थोडा उशिरा जाऊ आहे ना एक वाले गर्दी ती दीदी तर दीड वाले पर्यंत खेचते जाऊ आरामात। अभी ये जो शब्बात जो लोगों को सचमुच काम पे छुट्टी नहीं है ऐसा लोगों ने खरोखर काम वाले छुट्टी नहीं है उन्हीं के लिए ये जो मंडे का प्रेयर ट्यूसडे का हाउचर वेनसडे का और अभी सोमवारी प्रार्थना है और अभी सोमवारी आए
और गुरुवार को है, शुक्रवार को सलाम होता है शुरू, और चलो हम उस दिन में जाएंगे। पहला वाला प्यार आगे पहली चीजें प्रीतिया ही करना पड़ ले। दूसरी प्रतिशिया में प्रॉब्लम बताया कि अहंकार, आई दूसरा मंडल में सबसे सांगे कि अहंकार पैसों के पीछे जाना, आई पैसों के पार्टी मांगे जाना, पैसा पैसा पैसा, आई जैसे पैसे पैसे। तीसरे कलीसिया में बताया है गलत शिक्षण, आई तीसरे मंडल को साथ में लाए जो की शिकवाना, गलत बातों को दोहराना, आई जो की गोष्टी जो आए थे दोहराना। चौथी कलीसिया में इजेबेल का शिक्षण, आई चौथे मंडल को ये आए इजेबेल का शिक्षण। आज चर्च में यही हो रहा है इजेबेल का शिक्षण, आज चर्च के लोग अन्य जातियों के साथ विवाह कर रहे हैं। अरे आज चर्च में जी लोग आए थे अन्य जातियों के साथ विवाह कर रहे हैं, मिस्री विवाह। आपने किस कौन सी स्त्री से इजेबेल से शादी किया? अरे यार भाई कहने लगे इजेबेल से बहुत नहीं लगना तेरा, तो सार होता है चर्चेस में ऐसे ही हो रहा है, मसीहों को छोड़कर किसी अन्य जातियों से विवाह करते हैं। अरे आपको सारे चर्च में ऐसा सब नहीं किसी लोग का ना सोने तारे जाती लोग का सब विवाह करना ही होता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। आपने कभी कौन ऐसा सोचा ना बड़े जन ऐसे ही करते ना, बोलता है चॉइस है, हम उनको बोलते उन्हें छोड़ो नहीं छोड़ते। अरे अभी जाना सासों के लोग जाना छोड़ा के लोग नहीं छोड़ रहे, क्या लगता है मैं उनको काउंसलिंग नहीं करती, उन्हें बताती नहीं, बताती हूँ आई तो मैं प्राइवेट भी जाना सब सब मैं सासों नहीं जाना सासते काटती भी हूँ। अरे और पे सुधा लेकिन फिर भी हम लोग वही करते हैं, आई तो हम नहीं छोड़ सकते, आई तो सुधा के लोग तेज कर तो नहीं मानता कि आप लोग नहीं छोड़ सकते। तो ये अगर आप देखोगे ना तो ये अंतिम काल के लक्षण जो यहाँ कलीसिया में क्या क्या होगा इसके बारे में बताया है। आई से तुमने सर्व गोष्ठी पाई है तो शेवर चकार होने का क्या लक्षण आए कि वो काई गोष्ठी होना है ऐसे साथ ले गया है। आप जागृत हो, आई तो भी जागृत रहा, आई तो भी ठंडा पड़ो लगा, रोगों में बने रहो, आई देखा मुझे बहुत प्रेम करते रहो, आई प्रेम करते रहो, मनुष्य कितना भी बिगड़ जाए, आई मनुष्य की भी आप मत बिगड़ो, आई तो भी बिगड़ो लगा, आपको तो मालूम है आप अच्छे हो, आई तो मालूम था नहीं जाने कि तू भी साथ लिया है, आप अच्छे होना, आई तो भी साथ लिया, आप अच्छे होना, आई तो भी साथ, आपके साथ कोई भी बुरा करता है उनके जिस साथ बंद, आई तो जो सब कौन ही वाइट कर तो भी टेंशन सर को होगा, समान रहोगे तो उनमें और आप में कोई फर्क, आई तो भी टेंशन समान सर हुआ तो टेंशन में यानी तुम चाहे का ही फर्क, आपको तो मालूम है आप अच्छे हो, आई तो मालूम था मैं नहीं तो भी साथ लिया है तो भी देवा से आप लोगों को स्वभाव दिखा, आई तो भी देवा से स्वभाव रखा, ऐसे ऐसा सोचा लेकिन उसने तो मुझे चिन्ह जब आपको दिया उस चिन्ह के अनुसार आप वहाँ पहुँचोगे तो क्या हो जाएगा, आपको स्वर्ग बराबर से मिल जाएगा। आई जी चिन्ह तुम्हारा दिल्ली है जब चिन्ह दूसरा सुनने चाहता था तो योगी ने तेरी स्वर्ग में पहुँचा दिया, बराबर है दरवाजा कहाँ मिलेगा कि करते करते वो चिन्ह के अनुसार चलते 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 आप ट्रेन में ठंडे नहीं पड़े तो आप कहाँ पहुँचोगे दरवाजे के पास स्वर्ग के, और वो आपको क्या मिलेगा खुला ठोकना नहीं पड़ेगा। आई जर तुम्ही चिन्हानुसार चालत राहा, आई जर तुमची प्रीती आहे जर ती ठंड नाही पडली तर तुम्ही सुद्धा काय करा त्या चिन्हांमध्ये चालत चालत तुम्ही स्वर्गापर्यंत पोहोचाल, आणि स्वर्गाचा जो दरवाजा आहे तो तुमच्यासाठी उघडली जाते प्यार करते हो, आणि म्हणून प्रभू प्रेम करत आहे ठंडे आणि कधी तुम्ही ठंड पडू नका, प्रभू पराशयवादी करत म्हणतात आपण प्रार्थना करूया, माझं कुटुंब करेंगे आपण प्रबंध करूया आणि आपण प्रार्थना करूया। पवित्र पवित्र करून आम्ही प्रेमी पिता प्रभू येशू के नाम से प्रभु इन सभीयों को तेरे हाथों में देती हूँ, जो साइन इनके सामने रखा है अधम बढ़ने के कारण बोलता है तो ठंडे पड़ जाएंगे, हाँ प्रभु इस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में मसीहों के बीच में कितने भी अधम बढ़ने लगे लेकिन हम तुझे प्यार करते हैं, ये तुझे प्यार करते हैं, ये करते रहेंगे कि कभी ठंडे नहीं पड़ेंगे, या अपने आप को विश्वास में पाए जाएंगे प्रभु और फिर तुझसे जुड़ते रहेंगे, जो तुझे अच्छा लगता है वही करेंगे, इनके साथ बुरा करने वालों के साथ ये भलाई करेंगे और भलाई कर कर इन्हें जीत लेंगे, और ये सुनी लेना ये बहुत आशीषित है, आप कर्ज लगा लें छुटकारा घोषित कर लें, आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते सदानंदी रहने के लिए सहायता करना, इनमें से बहुत लोगों का शपथ दे, शपथ इनकी सारी आशीष देना, अनुग्रह करना, आशीष देना,
आपके पंख में सुरक्षा। धन्यवाद। बच्चों को आशीषित करना, बड़े बच्चों को आशीषित करना, प्रभु पवित्र पिता सारे पुरुषों को आशीषित करना, इनके हाथों के कामों को आशीषित करना। ये कभी कर्जा लेने वाले नहीं रहेंगे, ये कर्जा देने वाले बनेंगे। इन सबके ऊपर का सारा कर्जा जो यीशु मसीह ने फेर दिया है, प्रभु पवित्र पिता कैंसिल किया है, वो जाने के लिए मदद करना। और इन्हें ये कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले बनने के लिए मदद करना, उनकी सुखी रहने की रक्षा करना, यीशु के नाम से।